नमस्ते आई एम आचार्य प्रतिष्ठा एंड आई वेलकम यू टू दिस वंडरफुल इनिशिएटिव ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ बाल भारती एंड मोक्षायतन योग संस्थान टू ब्रिंग हेल्थ एंड हैपीनेस अमंग आवर स्टूडेंट्स हंच बैक यानि हमारे बैक की का पॉस्चर की पोजिशन बिगड़ जाना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यंगस्टर्स में विशेष रूप से टीन में यानी जब हम हमारी हाइट बढ़ती है तो हम ऐसे झुक करके रहने लगते हैं यानी हमारे कंधे भी रोल हो जाते हैं और पूरा का पूरा पॉस्चर ऐसे हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो हंच बैक की स्थिति लेने लगता है हालांकि पॉस्चुरल डिफेक्ट पे हमने पहले भी बात की है जो लोग समय रहते अपने पॉस्चरल डिफेक्ट को ठीक कर लें बहुत बढ़िया पर बढ़ते बढ़ते अगर वो हंच बैक की स्थिति में आ जाए तो ये एक अलामिंग सिचुएशन है इसके बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं पहली चीज़ बच्चों जब आप ऐसे झुक जाते हो तो आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है हम जितना ब्रॉड अपने चेस्ट को रखेंगे जितना गहरा सांस लेंगे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी बट जितना हम इसे कॉन्ट्रैक्टेड रखेंगे जितना हम झुक कर के रहेंगे तो उससे हम सांस अच्छी तरह से नहीं ले पाते और उसके कारण अनेकानेक प्रॉब्लम्स होती हैं ऑक्सीजन इज लाइफ प्राण शक्ति अगर ऑक्सीजन नहीं है अगर हमारी जीवनी शक्ति का ह्रास हो रहा है तो हम ना स्वस्थ रहेंगे ना सुंदर रहेंगे दूसरी चीज़ जो झुका हुआ होता है वो हमेशा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आता है उसके अंदर आप हमेशा देखना जो लीडर्स होते हैं जो रूलर्स होते हैं वो हमेशा सीना उन्नत करके चलते हैं अपने पॉस्चर को सीधा रख के चलते हैं जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है वो हमेशा ऐसे चलेगा तो आपको इस हंचबैक को ठीक करना है कैसे करना है बहुत आसान कोई समस्या की बात ही नहीं है मैं आपको बहुत आसान से योगाभ्यास बताने वाली हूँ जिनका नियमित अभ्यास करके आप अपने पॉस्चर को ठीक रख सकते हैं पॉस्चर को ठीक रखेंगे तो आपकी हंच बैक विशेष रूप से जो हंच बैक की समस्या है उसमें यह अभ्यास बहुत बहुत लाभकारी है सबसे पहले हम करेंगे सुगम सर्पासन का अभ्यास और उसके भी दो वेरिएशंस हम लेंगे कैसे करना है इसका अभ्यास इसे ध्यान से समझिए आप इस तरह से योग मैट बिछा लेंगे और उस पर पेट के बल लेट जाएंगे और जैसे छोटे से बच्चे टेलीविजन देखते हैं ना बिल्कुल वैसी स्थिति में आ जाना है यानी इस तरह से पेट के बल लेटना और अपनी एल्बोज को जमीन पर टिका देना ठीक सबसे पहले अपने एड़ी पंजे मिला लेंगे और इसका नाम है सुगम सर्प सर्प मीन स्नेक तो स्नेक की जो पूँछ होती है बिल्कुल वैसे अपने पैरों को मिला लेंगे और फिर ये जो एल्बो जमीन पर टिकाई है अपने हथेलियों के बीच में अपनी चिन को टिका देंगे अब कुछ विद्यार्थी या कुछ प्रैक्टिशनर्स जब इसका अभ्यास करेंगे तो उनको हो सकता है हल्का सा डिजी फील हो क्योंकि थ्रू आउट द डे आप या तो किताबों को देख रहे हैं गर्दन को झुका कर के मोबाइल फ़ोन को देख रहे हैं गर्दन को झुका कर के सो वी रियली गेट टाइम टू बेंड आवर बैक आवर नेक बैकवर्ड्स तो जब आप इस स्थिति में आएंगे और विशेष रूप से जो हंच बैक के पेशेंट्स हैं हंच बैक की परेशानी से परेशान है उनको तो थोड़ा सा डिजी फील होगा ही होगा क्योंकि आप हर वक्त तो अपनी कमर को आगे झुका कर के रखते हैं तो इस स्थिति में और इसमें भी कंधों को ऐसे नहीं करना है कंधे नीचे गर्दन सीधी और हथेलियों पर टिका दिया दिस इज सो सो रिलैक्सिंग जस्ट स्टे इन दिस पोजिशन फॉर सम टाइम फीट टुगेदर टूस टुगेदर हील्स टुगेदर यथा सांवर्थ एज लॉन्ग इज कंफर्टेबल जस्ट स्टे इन दिस पोजिशन एंड जस्ट हैव नॉर्मल ब्रीदिंग इन दिस पोजिशन अब यहाँ से दोनों पैरों को उठा लो ठीक है इस स्थिति में आ जाओ अब आपको लोअर बैक पे रिलैक्सेशन फील होगा पूरी स्पाइन पर रिलैक्सेशन फील होगा नेक के पीछे टॉप ऑफ द हेड पर और जो शुरू में डिजी फील हो रहा था अब आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा बस इस पर पूरा ध्यान टिका देंगे पूरी तरह से विश्राम की स्थिति और फिर पैरों को नीचे ले आएंगे जब लगे कि अब और देर हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना और फिर अपने हाथों का तकिया बना करके इस पर अपने चेहरे को टिका देंगे पैरों को खोल लेंगे सो यू हैव नेचुरल पिलो विद यू राइट हमें किसी आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं है सब चीज़ें परमात्मा ने हमारे लिए नेचुरल बनाई हैं तो इस स्थिति में रुकेंगे और यहीं से हम दूसरा अभ्यास करेंगे ये जो हमने अभ्यास किया है इसको आप थ्री टाइम्स रिपीट कर सकते हैं ठीक है दूसरा अभ्यास है सुगम सर्पासन का सेकेंड वेरिएशन जिसमें एडी पंजों को मिला लेंगे और हथेलियों को आप अप, अपनी पाम्स को अपने फेस के राइट right और लेफ्ट में टिकाना और एल्बोज ऑन द फ्लोर एंड प्लेस योर चिन ऑन द फ्लोर अपने ठुड्डी को ठुड्डी कहते हैं ना चिन को उसे ज़मीन पर टिकाना और हमने हाथों को आगे क्यों रखा है क्योंकि ये सुगम सर पर अब हाथों का सहारा लेते हुए पुट योर एंटायर वेट ऑन योर हैंड्स एंड लिफ्ट अप योर फेस एंड योर चेस्ट एंड ट्राई टू बेन बैकवर्ड एज मच एज पॉसिबल कीप इंग योर शोल्डर्स डाउन डू नॉट लिफ्ट योर शोल्डर्स अप थ्रू आउट द प्रैक्टिस कीप योर आईज क्लोज एंड यू विल फील एक्सट्रीम रिलैक्सेशन एट योर स्पाइन एंड योर नेक And then exhale and bring your chin down. Let's do it one more time. Inhale. Exhale. This has to be done five times at least. And then after practicing it five times, make pillow of your arms. Open your and sharir Absolute relaxation. यहीं से हम थर्ड अभ्यास लेते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भुजंग आसन का अभ्यास और उसमें भी जो है पूरा सर्प आसन ही ले लेंगे इस ही स्थिति में एड़ी पंजे मिला लेंगे हथेलियों को जमीन पर टिकाएंगे चेस्ट के साथ में राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट ओके प्लेस योर चिन ऑन द फ्लोर इन लिफ्ट अप योर फेस योर चेस्ट और नाभि तक पूरे शरीर को उठा लेना आपकी कोहनियाँ, एल्बो स्ट्रेट हो जाएंगी एड़ी पंजे में ले रहेंगे और पीछे की तरफ बेंड करना सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना जिनको भी हंच बैक की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बहुत लाभकारी है इट्स वेरी वेरी एसेंशियल एंड वेरी वेरी इफेक्टिव लेट्स डू इट वन मोर टाइम जितना आसानी से पीछे जा सकते हैं उतना जाना इन्हेल नाउ एक्सेल और एक्सेल करते हुए अपने हिप्स को पीछे पुल करेंगे और जितना हो सकता है सामने झुकने का अभ्यास करेंगे इसको ज्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने कमर को झुका रखा है पूरा दिन धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे अब आप सोचेंगे कि आचार्य जी अभी हमको तो हंच बैक का प्रॉब्लम है ऑलरेडी हम आगे झुके हुए हैं तो फिर हमने फॉरवर्ड बेंडिंग क्यों किया इसलिए किया कि हमने बहुत लंबा बैकवर्ड बेंडिंग किया है तो बहुत ज़रूरी है कि शरीर का कोई भी हिस्सा है उसको हम अलाइंड रखें यानी ना तो हमें अधिक अति सर्वत्र वर्जित यू मस्ट हैव वर्ड इन इंग्लिश एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ रॉन्ग सो दिस एक्सेस ऑफ़ एवरीथिंग इज़ रॉन्ग इज़ नोन एज अति सर्वत्र वर्जित इन संस्कृत एक्सेस जीवन के किसी भी मोड़ पर और किसी भी चीज़ की गलत है बहुत अति में प्रेम बहुत अति में हेटरेट दोनों ही बेकार हैं है ना? हमें समान रहना चाहिए हमें स्टेबल रहना चाहिए लाइफ में समत्वम योग उच्चते लाइफ इज़ ब्यूटिफुल इफ़ वी लर्न टू लिव इन यूनानिमिटी इफ़ वी लर्न टू बी स्टेबल इन लाइफ एंड दिस इज़ वट योग टीचेज अस जनरली हमें एक मिसकन्सेपन होती है कि योग मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज या समटाइम्स पीपल थिंक योग मीन्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस किसी किसी को लगता है योग का मतलब होता है सिर्फ ध्यान नहीं योग जिसमें आसन भी है प्राणायाम भी, भी है ध्यान भी है और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यानी जब हम अपने जीवन को टोटालिटी में जीना शुरू करते हैं तब हम योगी बनते हैं और जब हम विद्यार्थी होते हैं तो हमें अपने जीवन को पूरी तरह से टोटालिटी में जीना चाहिए और जाते जाते एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि हम भी आपकी उम्र से गुजरे हैं है ना सो वन आई वॉज़ इन माई स्कूल बिकॉज आई ऑल्सो आई रेस्ड माई हाइट वेरी क्विकली मतलब एकदम से हाइट बढ़ी तो वो जो एज होती है ना तो हम सब ऐसे हो जाते हैं तो हम भी ऐसे चलते थे जब हमारी हाइट बढ़ी तो हमारे पूज्य गुरुदेव जो हमारे पिताजी भी हैं माई फादर सो ही सेट ही जस्ट टोल्ड मी वंस ही सेट भगवान ने तुम्हें ऊंचा बनाया है और ऊंचा होकर के चलो तो अगर आपको परमात्मा ने ऊंचा बनाया है अपने सीने को ऊंचा रखो स्पाइन को स्ट्रेच रखो चिन को अप रखो एंड लिव योर लाइफ लाइक अ किंग कभी भी झुक करके मत चलो हमें झुकना नहीं है हमें गर्व के साथ प्राउड के साथ अपना जीवन जीना है आप नियमित रूप से इन क्रियाओं का अभ्यास करिए और बाल भारती और मोक्षायतन योग संस्थान का बहुत सुंदर इनिशिएटिव हम हर सप्ताह आपके साथ जुड़ते हैं आप इसके साथ जुड़े रहें नियमित रूप से योगाभ्यास करें नाउ वर्ल्ड इज़ बिकम रियली स्मॉल थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया मीडियम्स सो यू कैन जॉइन अस एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एट द रेट आचार्य प्रतिष्ठा जी एट फेसबुक एट ऐप एट एट शेयर चैट एट इंस्टाग्राम एंड सो मेनी याद द आप हमारे साथ जुड़े स्वस्थ रहें सभी के लिए ढेर सारा आशीर्वाद ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू